पश्चिमी सिंहभूम जिले के टुंटो गोइलकेरा थाना सीमा क्षेत्र में गुरुवार की सुबह सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस व नक्सलियों में भीषण मुठभेड़ हो गई। इसमें नक्सलियों से लोहा ले रहे अभियान में शामिल कोबरा 209 बटालियन के 5 जवान घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए सेना के हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर रांची ले जाया गया। मेडिका अस्पताल में उनका उपचार किया जा रहा है। घायलों में कांस्टेबल सूरज कुमार, सुशील लकड़ा, बुद्धदेव किशन, कृष्णकांत बुखारे और डॉग हैंडलर संदीप इन शामिल हैं। पुलिस के साथ मुठभेड़ में 1 करोड़ का इनामी नक्सली मिसर बेसरा पनमोल का दस्ता शामिल था। जंगल में फायरिंग व बमों के धमाके घंटों तक आसपास के गांवों में भी सुने गए। इससे स्थानीय लोग दहशत में रहे। पुलिस व सीआरपीएफ की संयुक्त टीम टोंटो थाना क्षेत्र के सिलईबेड़ा और सार्जनबुरु के घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। इसी दौरान गुरुवार सुबह लगभग 8 बजे सुरक्षा बलों से नक्सलियों की मुठभेड़ हो गई। कई घंटे की गोलीबारी के बाद मुठभेड़ खत्म हुआ। दोबारा सर्च ऑपरेशन शुरू किए जाते ही सुबह 11 बजे फिर से नक्सलियों से मुठभेड़ शुरू हो गई, जो करीब 4 बजे तक जारी रही। मुठभेड़ में दोनों ओर से सैकड़ों राउंड गोलियां चली हैं। जंगल में जिस जगह मुठभेड़ हुई है वह बेहद दुरूह इलाका है। मोबाइल नेटवर्क नहीं रहने के कारण अभियान में शामिल कोबरा बटालियन के जवानों ने डीजीपी कंट्रोल रूम से संपर्क साधा और मुठभेड़ एवं घायलों की जानकारी दी। इसके बाद जिला मुख्यालय से अतिरिक्त बलों को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया। वहीं घायल जवानों को रांची ले जाने के लिए 2 हेलीकॉप्टर उतारे गए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।